अलीगढ़ मुस्लिम व्यू के यूनियन हॉल में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर एएमयू में दूसरे दिन गुरुवार को भी छात्रों का हंगामा जारी है। बाबे सैयद गेट पर छात्रों ने फिर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दोपहर में बड़ी संख्या में छात्र एकजुट हो गए हैं। वहीं अधिकारियों के साथ पुलिस व आरएएफ के जवान मुस्तैद हैं। इधर एडीजी आगरा जोन अजय आनंद भी यहां आ गए हैं। उन्होंने आईजी एसएसपी एसपी सिटी के साथ बैठक कर हालातों की जानकारी ली। सुबह से ही यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट पर बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए हैं। कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी आक्रोशित छात्रों ने निशाना बनाया। हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी के चारों ओर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। छात्र लगातार सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस फोर्स छात्रों के हर मूवमेंट पर नजर गड़ाए है। वहीं प्रदर्शन कर रहे एएमयू छात्रों ने 5 दिनों के लिए कक्षाएं बंद करा दी हैं। इस दौरान छात्रों ने एक ज्ञापन एसडीएम सिटी को दिया, जिसमें हिंदूवादी नेताओं एवं सांसद सतीश गौतम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन एवं आरएसएस विरोधी पोस्टर लगाने के दौरान भी एएमयू छात्र पुलिस से जूझते नजर आए हैं। सरकार जो दिल्ली में है वो हम गैर नहीं है, वो भी हमारे हम भी होंगे। सर क्लासेस बरकरार रहेंगी क्या? वो मानेंगे कि उनको एहसास रहेगी कि उनके बच्चों के साथ साथ। सर क्लासेस रोकी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ को संबोधित एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक आवेदन दिया है, या आवेदन इस आवेदन पर जांच करके कार्रवाई कर ली जाए। किसके लिए? इसमें कुछ लोगों के नाम मेंशन है, नाम क्या समूह मेंशन है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं जैसा उल्लेख किया गया है। क्या सांसद का भी है इसमें? इसके प्रति आप देख लें, इसको पढ़ लें। सर कल भी एफआईआर दर्ज कराने की बात की थी, जो आज का है वो सब क्लब कर दी जाएंगी, सबके अलग अलग एफआईआर। यह सब इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको किसके साथ क्लब करना है या अभी क्या करवाई करनी है, इसे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो तीसरी दर्ज कितनी हो गई है सर? 2 दर्ज हो गई हैं। सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए? सिक्योरिटी को लेकर किस तरह की इंतजाम है? सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम और लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी तैयारियां हमारी हैं, और चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समूह या किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, लॉ एंड ऑर्डर हर दशा में मेंटेन किया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर सांप्रदायिक सौहार्द से उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा, सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने की कोशिश किया जाए करेगा, तो सीआरपीसी के तहत उन्होंने धारा होकर सर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरीके से स्कूल का जो इस तरह के जो इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह से बच्चों को प्रोवोक किया गया है स्टूडेंट्स का, उसका संज्ञान लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने, वाइस चांसलर ने, आपके जितने भी स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं उन्हें सिचुएशन से अवगत करा दिया है, और एएमयू फ्रेटर्निटी के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भी उनसे वहाँ तक पहुँचा दिया है। साथ में वाइस चांसलर साहब ने अपील करी है स्टूडेंट्स से कि अमन अमान का माहौल रखें यूनिवर्सिटी में, और जो नापाक मंसूबे हैं उन लोगों के जिन्होंने कल प्रवोक किया स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ आके कि उनके नापाक इरादों को कामयाब ना होने दें। साथ में उन्होंने ये भी अपील करी क्योंकि और ये एश्योरेंस दिया है कि जो भी उनके साथ ज्यादती हुई है उसको लेजिटिमेट और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन तक रेस किया गया है, और जो भी इसके पीछे कसूरवार हैं उनको पनिश किया गया है, इसके लिए भी गुजारिश की। साथ में अमूटा ने भी आगे बढ़ के सॉलिडरिटी का स्टूडेंट्स के साथ कहा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक इंक्वायरी के बारे में भी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अभी सेशन का माहौल चल रहा है, एग्ज़ाम्स भी आने वाले शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों से इंतज़ामिया की तरफ से ये भी दरख्वास्त है कि उनका कैरियर और उनका सेफ्टी जो है हमारे लिए बहुत ही पैरामाउंट है, और जो चीज़ होगी है उसके बारे में जो लीगल तरीक़ा है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करा जाएगा, वो इंतज़ामिया कर रही है। ओके, वो इससे मुतमईन रहें,
और किसी तरीके से उनके साथ ज्यादती नहीं होगी, उसका एश्योरेंस दिया गया। साथ में हमने कल, क्योंकि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल हामिद अंसारी साहब तशरीफ लाए थे, जिनको अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन लाइफ मेंबरशिप देने चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली उनको भी जाना पड़ा और उन्होंने भी इस चीज़ का टेकन स्ट्रिक्ट नोट ऑफ इट। तो जाहिर सी बात है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है, उसका भी कुछ असर होगा ऊपर। और पूरी टीचर्स फर्टर्निटी और नॉन टीचिंग फर्टर्निटी, पूरा इंतजामिया इस वक्त एमए स्टूडेंट के सपोर्ट में है। जो कल हादसा हुआ उसके खिलाफ है, एफआईआर दर्ज हुई है, जो भी लीगल पहलू को नजर में रख के। आप किस तरह की लड़के के एहतजाज कर रहे हैं, क्या मतलब है? कैंपस के अंदर बच्चे हैं, कल भी ऐसा था, कोई वो चीज़ नहीं थी। और जो पीसफुल तरीका होता है उसके फ्रेमवर्क में वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स यूनियन के जो लीडरान हैं उनको, उनके उनको चोट आई है, उनके जो डिमांड कर रहे थे उनको तो थोड़ा बहुत तो रिएक्शन होगा, लेकिन पीसफुल है, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है और इंतजामिया ने पूरा पुख्ता इंतजाम किए हैं कि कोई भी इंट्रोवर्ट इंसिडेंट ना हो। कोई भी बाहर का आदमी जैसे कल ऐसे आके उस असामाजिक तत्वों ने ये जहाँ का माहौल यूनिवर्सिटी का ख़राब करने की कोशिश की थी, वो फिर उसकी कोशिश ना कर पाए। इसका कोऑर्डिनेशन चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी, एंड मेरे ख्याल से बच्चों का कैरियर जो फ्यूचर है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और जो उनकी सुरक्षा का जो इशू है वो इस इंतजाम के लिए पैरामाउंट है। जारी रहेगा जब तक यहाँ के सांसद कार्रवाई ना हो, जो लोग दोषी है।